हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम शेप स्क्वायर के बारे में, एनटीए जर्नी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आपके तीन पोस्ट जो पॉपुलर है जिसमें लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जैसे कि स्टेनोग्राफर और आपके जूनियर असिस्टेंट और एक आपके हैं एमटीएस की, और एमटीएस में लगभग सबसे ज़्यादा आपके अवेलेबल हुए हैं। तो सबसे पहले बात करिए, आपके लगभग सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन तीन पोस्ट में तो वो आपके हैं एमटीएस में, सबसे ज़्यादा कंपटीशन यानी कि सीट के मुकाबले से, अगर बात करें यानी कि वैकेंसी के मुकाबले से, तो लगभग सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन आपके एम पी एस में, इसमें एम पी एस में, और इसके बाद आपसे लगभग स्टेनोग्राफर में, और उसके बाद आपसे लगभग जूनियर असिस्टेंट में। देखो लगभग मैंने जो पोल लगाया था उसके मुताबिक तो लगभग ऐसा ही लग रहा है कि आपके स्टेनोग्राफर में लगभग जूनियर असिस्टेंट से लगभग ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि इसमें लगभग सिर्फ आपकी 22 सीटें स्टेनोग्राफर में, और आपके जूनियर असिस्टेंट में आपके लगभग 109 में 187 सीटें हैं, और आपके एम डी एस में 79 है। तो एम डी एस में तो लगभग हो सकता है क्योंकि 10th पास है, तो लगभग आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 10th पास वैकेंसी में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा निश्चित तौर पर। तो अभी थोड़ा हम कट ऑफ को लेकर डिस्कस करें, तो देखो आपको जो आपके सबसे पहले आपके एम डी एस की पोस्ट है, तो इसमें आपको लगभग अपना से पिक्चर आपको लगभग 80% आपको लेकर चलना है। अब मतलब इतना ज़्यादा से तो देखो आपके 300 नंबर का पेपर है, और एग्जाम का पेपर मुझे ज़्यादा लगता है कि एमटीएस का बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सबका एग्जाम का लेवल एक जैसा होगा, तो मैं उसको बता दूँ कि सबका एग्जाम का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 10th पास की पोस्ट है तो उसमें लगभग हो नहीं सकता। तो लगभग अगर जैसे कि मान लो जैसे ग्रेजुएशन का पेपर होगा, मैथ का क्वेश्चन पेपर, अगर दोनों का सेम लेवल होगा तो जो बंदा लगभग ग्रेजुएशन का है वो तो लगभग दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, तो इस तरह एग्जाम का लेवल सेम नहीं है, यानी कि मैथ क्वेश्चन का थोड़ा ईजी रहेगा, और हो सकता है कि इसमें लगभग आपके सीबीटी वन ओनली वन एग्जाम है, तो लगभग हो सकता है आपके लगभग दोनों टाइप एक टाइप से यानी कि मॉडरेट टाइप के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओनली वन एग्जाम आपके एम पी एस में इस कारण, और जूनियर असिस्टेंट में लगभग आपके दो एग्जाम है, तो कुछ कह सकते थोड़ा पेपर का लेवल डाउन भी हो सकता है। तो सिर्फ पिस्टल में देख लेते हैं कि आपको सिर्फ पिस्टल कितना लेकर चलना है, तो एम पी एस में आपको लगभग 80% आपको लेकर चलना है, हो सकता है आप लगभग 75 से 80% आपको लेकर चलना है, तो मुझे लगता है कि मेरा स्कोर नहीं हो सकता, तो लगभग आपको 75 लेकर चले, और हो सकता है अपना पूरा स्कोर करने की कोशिश करें, तो अगर 80% लेकर चलेंगे तो आपको लगभग 300 में से 240 नंबर आपसे होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके लगभग ईयर कैटेगरी से 130 के आसपास रहने के चांस बन सकते हैं, तो आप फिर इस पर 240 ईयर कैटेगरी का लेकर चलेंगे, तो ईयर कैटेगरी में आपको लगभग 240 लेकर चल रहा हूँ, और सभी कैटेगरी में आप लगभग साफ से आप नंबर माइनस करते हुए चल सकते हैं। ओबीसी में थोड़ा आप करें कम माइनस करना, यानी कि 4 से 5 नंबर, बाकी जो आपके एस सी कैटेगरी है, एस सी कैटेगरी है, तो लगभग 8 से 9 नंबर आप माइनस करके चल सकते हैं, क्योंकि ई आर और ओ बी सी में लगभग ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको एम टी में आपको लगभग कितना बोल दिया, मैंने 75 से 80 के बीच में आपको टारगेट लेके चलना है तो अच्छा रहेगा, बाकी जो कैटेगरी उसमें लगभग 2 से 3 नंबर, यानी कि अगर मैंने बताया उसके लगभग लगभग 7 से 8 नंबर आप माइनस करके चल सकते हैं, और जूनियर असिस्टेंट में बात करूँ तो आपको लगभग, तो इसमें आपको लगभग थोड़ा डाउन रखेंगे तो भी चलेगा, तो मैं आपको डाउन रखने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि 65 अगर रखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, तो क्योंकि एग्जाम का लेवल अगर ईजी आया तो लगभग थोड़ा इस पर जा सकता है लेवल, तो यानी कि आपके कट ऑफ आई जा सकती है, तो आपके लगभग 70 टारगेट तो आपको लेकर चलना है, 70% यानी कि 300 का 70% 210 नंबर आपके होने चाहिए ईआर कैटेगरी के लिए, उससे ऊपर आएंगे तो भी बढ़िया है, और इसमें आपकी सी बी टी होने वाला है, तो लगभग कैंडिडेट से क्वालिफाई किया जाएगा सी बी टी के लिए, यानी कि टाइपिंग के लिए, तो डाउन थोड़ी आपको कदम देखने से मिलेगी, तो 210 के आसपास आपको ईयर कैटेगरी का आपके इसका होना चाहिए, और इसमें आपने लगभग 2 से 3 नंबर आप माइनस करते हुए कर सकते हैं, और इस समय आप लगभग 75 का टारगेट लेके चले, क्योंकि इसमें आपके 22 फेस है और 70% थोड़ा इसमें लगभग इस समय ग्राफर में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें आप लगभग 75% इतना टारगेट लेके चल सकते हैं, तो 75 ऑप्शन लेंगे तो यानी कि 75 यानी कि आपके लगभग 225 नंबर, यानी कि 225 आपके नंबर होने चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि 112 113 के आसपास आपके क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको सारा आपको विश्व के बारे में बता दिया है, और एडमिट कार्ड जैसे कि आपके एडमिट कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड आपके लगभग 24 तारीख को जो आपके एग्जाम सिटी जारी हुई है इसी टाइम पर आपके लगभग एग्जाम सिटी आपके जारी हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसे लगी, और कोई आपसे उनमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।